ए दोस्तों, मैं हूं प्रणव और यह मिथुन बाप। स्वागत है आप सब पर डीजे से प्रणव ने। 10,000 बजट है, 10,000 के अंदर बेस्ट 5G स्मार्टफोन यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आप ताबड़ तोड़ेंगे नहीं कर। ये वाले जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन है iQOO Z9 लाइट के बारे में बात करने वाला। ये Amazon पे आपको 20 तारीख को अराउंड ऐसा देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो है, जिसका प्राइस तो मैंने बता ही दिया 10,000 के अंदर, एस्पेक्ट्स बहुत तगड़ा है। यहाँ पे आपको बिल देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक बैक, प्लास्टिक फ्रेमिंग, ग्लास फ्रंट, ऑब्वियसली IP64 देखने को मिल जाता है, विच इज इंप्रेसिव। डिस्प्ले यहाँ पे 6.56 इंच अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, IPS LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, विच इज गुड। SoC यहाँ पे MediaTek Dimensity 6300 देखने को मिल जाता है, 6 नैनोमीटर का, 2.4 GHz पीक क्लॉक स्पीड है, 4 लाख का एचटू स्कोर देखने को मिल जाता है, कैमरा 50+2 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, डुअल कैमरा सेटअप है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वीडियोग्राफी आप 1080p 30fps पे कर पाओगे, बैटरी यहाँ पे 5000mAh विद 15W का जो है चार्जर देखने को मिल जाता है। ये वाला जो स्मार्टफोन है ना, ये स्मार्टफोन स्पेशल क्यों है, स्पेशल इसलिए है 10,000 के अंदर ना यहाँ पे IP64 देखने को मिल जाता है, 10,000 के अंदर यहाँ पे आपको 5G देखने को मिल जाता है, 10,000 के अंदर यहाँ पे आपको 4 लाख एंटीटू स्कोर देखने को मिल जाता है। हाँ, iQOO से मेरे को कोई पैसा वैसा नहीं भेजा है, पर फिर भी अपना ऐसा दिल से अच्छा लगा ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। खैर, बाकी आप अगर 10,000 के अंदर एक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो, आपको कैमरा ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब नहीं चाहिए, गेमिंग के लिए आप ले रहे हो, आप डे टू डे टास्क के लिए ले रहे हो, तो ये रिकमेंडेड है डेफिनेटली। अगर आपको कैमरा नहीं चाहिए और 10,000 के अंदर ही चाहिए, तो ये आपके लिए ऐसे रिकमेंडेड थोड़ा कम है, पर ठीक है। यहाँ पे सोनी का कैमरा जो है ऐसा कुछ बताया जा रहा है, कैन जो भी हो, यह स्मार्टफोन अच्छा है 10,000 के अंदर। तो बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो लोग 10,000 के अंदर ऐसे फोन ढूंढ रहे हैं।